है अनुसूचित जनजाति के आप प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं, सभापति बनाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय फूल सिंह जी मीणा हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। सुशील जी चित्तौड़ा हमारे बीच में है, सुरेश जी और कल्याण जी के गादीपति हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें हमारे सुशील जी चित्तौड़ा साहब का। एक बैनर भी है, उसका विमोचन हम एक भजन के बाद में करेंगे। यहाँ पर रखते हैं भैया, वहां रख दे, मैं करूंगा। अब जो भी लोग जहां पर खड़े हैं कृपया नीचे विराज जाए। एक मिनट बिल्कुल भैया, मैं थोड़ा व्यवस्था देख लू। देखो ये जो जितने भी छोटे बच्चे हैं, बाउंसर कहाँ गए हमारे, मैंने एक इधर वाले कहाँ है, इनको थोड़ा सा मैनेज करो, है ना। अपने आप थोड़ा अपने आप को संयमित कर लेंगे तो कार्यक्रम बहुत अच्छा बन जाएगा। बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए सांवरिया सेठ की। बस आपकी इतनी सी आवाज है। हमारे मेवाड़ में, मेवाड़ को महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है और पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व मेवाड़ को नमन करता है। मैं चाहता हूं कि ये आवाज सांवरिया सेठ के दरबार तक जाए। बोलिए सांवरिया सेठ की और जय हो आप सभी भक्तों की। देखिए गोकुल जी को आप सुनना चाहते हैं और इनका पूरा मन है वे सारे भजनों को सुनाने का। हाँ राकेश जी कुछ बोल रहे थे आप। देखिएगा हमारे बीच में हाँ शांति से बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए चार भुजा नाथ की, बोलिए लख दातार की। देखिए हमारे बीच में राज राजेश्वरी मंदिर के परम आदरणीय गादीपति धर्मेंद्र जी गुजर भी हमारे बीच पधारे हैं, वे भी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइएगा, गोकुल जी को कौन कौन सुनना चाहता है? हाँ सब सुनना चाहते हैं। आइए भाई गोकुल जी शर्मा। बोला सांवरिया सेठ की, भजन का महात्मा मैं आपने भजन सुनाओ भगवान सांवरिया सेठ को। ये भजन में पूरी प्रभु सांवरिया सेठ की संक्षिप्त में महिमा है, है भगवान सांवरिया सेठ की लीला अपरंपार है। ऐसे ऐसे प्रजा भगवान देवे प्रभु सांवरिया सेठ। ए हर कामे नाले बुरमा